महेंद्रगढ़ में पीजी कॉलेज के अंदर वुमेन सेल में राइटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें पूजा जांगिड फर्स्ट पोजीशन पर एवं पूजा सेकंड पोजीशन पर व संजू थर्ड पोजीशन पर आई है। इन पर जिसने बताया कि आज दहेज प्रथा के बारे में यहां बच्चियों से कंपटीशन करवाया है, जिससे बच्चों ने अपने अपने विचार रखे। इसमें बच्चों में जागरूकता आएगी और एक समाज में यह संदेश भी जाएगा कि दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है, इसे रोकना चाहिए और बेटे व बेटियों में अच्छे संस्कार डालने चाहिए, जिससे कि बच्चों की मानसिकता और कार्यशैली में बदलाव आ सके। इन तीनों बेटियों को स्कूल के प्रिंसिपल व सभी स्टाफ के उपस्थित लोग एवं टीचरों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बेटियों को बहुत बहुत बधाई दी। उन्होंने बताया कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम कॉलेज प्रांगण में आयोजित करवाए जाएंगे, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, नशा मुक्ति के लिए जागरूक करना, दहेज प्रथा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अनेकों कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाएगा। सशक्त और मजबूत इरादे की होती हैं ये बेटियाँ, सक्षम हर काम में होती हैं ये बेटियाँ। बंदिशों में रखा है जो इनको, एक बार अवसर देकर देखो, अनगिनत लोगों को रोजगार व अवसर दे सकती हैं हिंदुस्तान की ये बेटियाँ। ये हमने वुमेन सेल के अंडर करवाई है ताकि बच्चों को पता चले कि दहेज प्रथा कितनी भयंकर बीमारी है और इससे हमें उबरना है। मेन दहेज तो होता है कि बच्चों का टैलेंट, वो टैलेंटेड बने तो वो सारी उम्र कमाएंगे। दहेज तो एक बार लेके जा सकते हैं और फिर जहां हम दहेज लेके जाते हैं वहां उनकी इच्छाएं होने लगती हैं, और यदि कमाएंगे तो वो अपने पूरे परिवार को एजुकेट करेंगे, इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होंगे और उनमें पढ़ाई के गुण भी आएंगे, दोनों परिवारों को शिक्षित कर पाएंगे, इसके अलावा समाज को भी शिक्षित कर पाएंगे। इसलिए हम बच्चों से कहते हैं कि उन्हें शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान देना है और दहेज प्रथा को, इस बुराई को हमें जड़ से ख़त्म करना है, ना कि अपने जीवन से बल्कि पूरी सोसाइटी से। आज की जो ऐसी राइटिंग प्रतियोगिता थी, इसने हमारे पास जो BSc थर्ड की पूजा जांगिड है वो फर्स्ट पोजिशन पर आई है, BSc फर्स्ट कि हमारे पास पूजा है वो सेकंड पोजीशन पे, और BSc फर्स्ट की संजू है उसने थर्ड स्थान पे आई है, वो तृतीय प्रतियोगिता जो भी प्राइज है वो लिए। तो मैडम जैसे कि आज जो दिवाली के अंदर घटना घटी थी, इसके बारे में आपको सर ये है कि लड़कियों को, मतलब हमने तो क्या है कि लड़कियों को जागरूक करने के लिए वीमेन सेल के अंतर्गत जो भी हमारे पास ग्रांट आती है इसमें हम ये करते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इन पे यूज़ कर सके, ऐसे कंपटीशन करवाते रहें जिससे लड़कियों में, हमारे जो भी लड़के हैं यहाँ पे उनमें कॉन्फिडेंस बढ़े, कॉन्फिडेंस लेवल पे वो मतलब हर समस्या, जो भी समस्या है लड़कियों के सामने उसको फेस कर सकें। इसी के अंतर्गत हमने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है कि बच्चे जो भी हैं, लड़कियाँ भी हैं या स्कूल की लड़कियाँ भी हैं,